हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुजाता एंड वेलकम टू एजेंडा फाइनेंस। सो टुडे वी विल स्टडी अवर ईवीएस 2। आज हम अपना हम ईवीएस 2 की स्टडी करेंगे एंड वी आर गोना लर्न अवर थर्ड चैप्टर। आज हम अपना अपने थर्ड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके, सो अवर थर्ड चैप्टर इज मराठा सरदार। ओके, MARATHA मराठा, SARDAR सरदार, मराठा सरदार। द फेमस हाउस ऑफ भोसले यानी जो भोसले घराने चाही थी, है ना, उनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। और वो ब्रेव मराठा सरदारों से बिलोंग करते थे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना, हमें पता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी भोसले फैमिली के ही वंशज है, यानी उनका सरनेम भी भोसले था, है ना, इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। We had learned about the sun in previous session, previous lesson, है ना। पहला जो हमारा लेसन था, उस लेसन में हमने कुछ संतों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, है ना। अब हम मराठा सरदारों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पीरियड ऑफ अनरेस्ट, नाउ अनरेस्ट मीन्स अशांति, है ना, खूब अशांति, असंतोष, असा त्या त्या तो जो काल होता है ना, तो जो पीरियड होता, तो पीरियड कैसा होता, खूब अशांति सा होता, अनरेस्ट होता। एज द सेंट प्रीच डिवोशन टू गॉड, द ब्रेव मराठा सरदार स्टार्टेड अ ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी। जब जैसे हमने पिछले लेसन में देखा कि संतों ने किस तरह से प्रीच किया है ना, जगह जगह जाकर लोगों में जो है अंधश्रद्धा दूर करके ब्रेवरी, यानी हमें खुद के लिए किस तरह से फाइट करनी है, इन सब बारे में उन्होंने हमें बता रहे थे वो, है ना, भक्ति के साथ साथ, डिवोटी के साथ साथ। और हमें फेथ भी रखना है, अपने जो गॉड है उन पे फेथ भी रखना है, ये सारी प्रीच वो दे रहे थे। तो उसी प्रीच को फॉलो करते हुए मराठा सरदारों ने एक ब्रेवरी का ट्रेडिशन जो है वो शुरू किया। नाउ ट्रेडिशन यानी परंपरा, है ना। तब जो ब्रेवरी की परंपरा थी वो शुरू हो चुकी थी मराठा सरदारों के थ्रू, ठीक है। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। द टू सुल्तान, द आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड द निजाम शाह ऑफ अहमदनगर, वेयर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ईच अदर। देखो, अब ये नाम हमने पहले सुना है ना, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें ये दो सुल्तान उनका जिक्र हुआ था कि किस तरह से वो अपनी हुकूमत, मतलब हुकूमत के थ्रू उन दोनों में जो वॉर शुरू था, यानी लड़ाई शुरू थी, फाइटिंग शुरू थी। तो एक सुल्तान थे निजाम शाह ऑफ अहमदनगर, अहमदनगर के निजाम शाह, एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर, बीजापुर के जो आदिल शाह, वो दोनों कॉन्स्टेंटली उनमें क्या चल रही थी, वॉर यानी फाइट चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था। देन दे मेड यूज ऑफ आर्मीज ऑफ मराठा सरदार इन दिस वॉर। देखो, अब वो उन दोनों में जो वॉर यानी जो युद्ध शुरू हुआ था ना, जी लड़ाई शुरू होती, तो लड़ाई मध्ये त्यांनी आर्मी साठी, म्हणजे त्यांच्या सैन्यासाठी, अब वॉर के लिए कितनी सारे आर्मी होती है हमें पता है, तो उन आर्मी के लिए उन्होंने इनका यूज किया, मराठा सरदारों का यूज किया, है ना। तो इनसे क्या होता था, जो मराठा जो थे वो आपस में ही लड़ने लगे एक दूसरे से, तो उस वजह से क्या हो रहा था, अशांति यानी ऑब्वियसली अनरेस्ट हो रहा था, यानी हमें वो यूनिटी बची नहीं थी कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सके, है ना। बिकॉज मराठा मराठों में ही क्या हो रहा था, फाइट हो रहा था इन सुल्तानों के थ्रू, यानी वो सुल्तान मराठों को यूज कर रहे थे वॉर के लिए, युद्ध करने के लिए, है ना। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से मराठा सरदार थे। ओके, सो लेट्स नो अबाउट देम, द ब्रेव मराठा सरदार। अब हम जो मराठा सरदार थे, ब्रेव मराठा सरदार, उनके बारे में जानेंगे। द मराठास वेयर बोथ ब्रेव एंड टफ। यस, जो मराठा थे वो कैसे थे, ब्रेव भी थे यानी शक्तिशाली थे, धाड़सी थे, धैर्यवान थे, हिम्मत वाले थे, और टफ थे। देन दे वेयर ऑल्सो फियरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर। यस, फियरलेस यानी निडर, किसी से भी ना डरने वाले, फियरलेस और लॉयल अबाउट देयर मास्टर, यानी उनके जो मास्टर यानी मालिक थे, है ना, जो सरदार उनके मालिक थे, उनसे वो पूरी तरह से लॉयल थे, ईमानदार थे, ठीक है।
they were very proud of their achievement on the battlefield. Yes, battlefield यानी जो field यानी वो जगह, और battle यानी युद्ध करना, यानी battlefield का मतलब होता है कि जो जिसे समर भी कहा जाता है, यानी कि युद्ध होने वाली जो जगह होती है ना उसे बैटल फील्ड कहते हैं। तो उस बैटल फील्ड में उन्होंने जो जो अचीव किया यानी जीत हासिल की उनपे उन्हें फक्र था, है ना, वो प्राउड फील करते थे उन सब बातों से। बट द ब्रेव मराठा सोल्जर विद अ स्पियर इन हैंड एंड स्वॉर्ड एट द साइड वुड राइड इन हिज सरदार कैवेलरी। यस, उनके हमेशा उनके हाथों में स्पियर यानी भाला, हमें पता है ना भाला एक हथियार है, एंड स्वॉर्ड यानी तलवार, वो हमेशा उनके हाथों में रहा करती थी। साइड वुड राइड विद सरदार कैवेलरी यानी कैवेलरी यानी उनका जो सैन्य होता था, है ना, जो आर्मी होती उनमें वो हमेशा आगे रहते थे इन सब चीजों के साथ, स्वॉर्ड एंड स्पियर, फौज के साथ। कैवेलरी का मतलब होता है फौज, है ना, उनकी जो आर्मी उनकी जो फौज होती थी उनमें वो सरदार हमेशा आगे रहते थे, और जो मराठा सरदार थे। देन देखो बच्चों, हमने आप सबने हो तो वो तानाजी मूवी देखी होगी, है ना, जो कि हाल ही में यानी हमारे लॉकडाउन होने से पहले ही रिलीज हुई थी और बहुत ही हाउसफुल चल रही थी, यानी बहुत से लोगों ने उस फिल्म को देखा है ना। मतलब मेरा मानना है कि हर एक ने, बच्चों ने भी वो मूवी को देखना ही चाहिए, बिकॉज उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री रिलेटेड मिलती है और मराठा सरदारों के बारे में भी हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना। तो जो तानाजी थे वो भी एक बहुत ही ब्रेव सरदार थे, मराठा सरदार थे, और उन्होंने किस तरह से कोंडाना जो फोर्ट है ना उसे जीतकर छत्रपति शिवाजी महाराज को गिफ्ट किया, है ना, उनमें उनकी अपनी खुद की जान गवा कर उन्होंने वो जीत हासिल की, है ना। तो वो वैसे ही मराठा सरदारों के बारे में हम अब जानेंगे। तो ऑल द मराठा सरदार हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मी। देखो जितने भी मराठा सरदार थे उनकी खुद की अपनी ओन प्राइवेट ऐसी क्या थी, आर्मी थी यानी फौज थी। सबके अपने मैंने किसी के थाउजेंड, किसी के कैवेलरी में थाउजेंड पीपल, देन थाउजेंड एनिमल थी, हॉर्सेस एलिफेंट ऐसे हुआ करते थे प्राइवेटली पर्सनली, ठीक है। देन इफ सच अ सरदार वेंट टू द सुल्तान विद हिज आर्मी द सुल्तान गेव हिम एम्प्लॉयमेंट मेड हिम अ सरदार ऑफ हिज किंगडम एंड समटाइम कंफर्ड अ जागीर अपॉन हिम। देखो कि जैसे उन सरदारों के पास, मराठाओं के पास अपनी खुद की ऐसी एक फौज हुआ करती थी, तो अगर कोई सुल्तान उन्हें उनकी फौज के साथ, है ना, अपनाता है जीत हासिल करने के लिए, तब जब वो जीतते हैं तो उन मतलब वो वॉर जो होता था, वो युद्ध जो होता था, वो जीतने के बाद उन सरदारों को सुल्तान अपनी तरफ से कुछ जागीर, जागीर का मतलब होता है एक जैसे एक प्रदेश, एक जो ऐसा जगह होती है लैंड देश, वो उन्हें गिफ्ट के तौर पर देते थे, है ना, यानी उस जगह पे उन्हीं का मतलब हक होगा, ऐसे उसे जागीर कहा जाता है, ठीक है। कन्फर्ड अ जागीर अपॉन हिम द सरदार हु रिसीव सच अ जागीर कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ राजा। यस, आप जो जागीर उन्हें सुल्तानों से गिफ्ट के तौर पर मिला करती थी जीत हासिल करने के बाद, तो उस जागीर के यानी उस जगह के, उस प्रदेश के, उस देश के वो क्या होते थे, राजा कहलाते थे, किंग कहलाते थे, ठीक है। देयर वर अ मेनी फेमस मराठा सरदार एट द फोर्ट ऑफ अहमदनगर ऑफ बीजापुर। देखो अब जो बीजापुर के जो किंग थे, जो राजा थे, उनके कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मराठा सरदार थे। The more famous among them were a Jadhavas of Sindhkhed. देखो अब यहाँ पर कुछ surnames के साथ साथ वो किंग स्टेट से या किंग जगह से belong करते थे, उस प्लेस का नाम भी हमें दिया गया है। So Jadhav of Sindhkhed, okay? Sindhkhed near by बुल्ढाना, जैसे हमें आपके आप तो बहुत सारे changes हो चुके हैं, प्लेसेस के नेम चेंज हो गए, सिटीज के नेम चेंज हो गए, इवन जो स्टेट है स्टेट के भी मतलब डिवाइड हो चुके हैं ना, पहले सब मतलब अलग था, हमारा जो मैप था
वो अलग था, ठीक है। तो सिंदखेड़ जो है वो बुलढाणा के लिए है, जैसे जलगांव नासिक यहाँ से आगे, ठीक है, वहां के थे जाधव वाला, जाधव सरने में, ठीक है, ये मराठा है, मराठा सरदार थे। देन निंबाळकर ऑफ फलटण, निंबाळकर सरने में, ठीक है, निंबाळकर ऑफ फलटण। अब ये फलटण जो है वो है सातारा के नियर बाय सातारा, अगर आप पुणे सातारा जाओगे तो वहां पे फलटण करके आपको वो प्लेस हमें पता चल जाएगा, ठीक है। घोरपड़े ऑफ मुडल, घोरपड़े ऑफ मुडल, घोरपड़े भी एक सरने में, मराठा सरदार मराठाओं का, और मुडल। देन मोरेज ऑफ जावली, भोसलेज ऑफ वेरूल, द सिंदखेड जाधवाज वेयर डिसेंडेंट ऑफ द यादव ऑफ देवनागरी। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, यानी उनके वंश के ही, है ना, उनके वंश के ही जो थे यादव ऑफ देवनागरी। जीजाबाई द मदर ऑफ शिवाजी महाराज वॉज द डॉटर ऑफ लखोजीराव जाधव ऑफ सिंदखेड। देखो आप जाधव ऑफ सिंदखेड यानी जो थे वहां के मराठा सरदार, उनमें से एक थे लखोजीराव जाधव, लखोजीराव जाधव, और उनकी जो डॉटर थी यानी उनकी जो बेटी थी जीजाबाई। अब हमें कुछ थोड़ा सा क्लिक हो रहा है कि जीजाबाई ये है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया, वही शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई, वो इन जाधव फैमिली से बिलोंग करती थी जो कि सिंदखेड़ के थे, ठीक है, सिंदखेड़ के थे। ओके, सो नेक्स्ट, ट्रेडिशन ऑफ वेलोर, VALOUR, वेलर। वेलोर का मतलब होता है पराक्रम यानी शौर्य, ठीक है। अब उनका जो परंपरा थी शौर्य की परंपरा, उसके बारे में हम जानेंगे। ऑल दीज सरदार्स वर ब्रेव बट मेनी ऑफ देम वेयर स्वॉन एनिमीज ऑफ वन अनदर। सी स्वॉन एनिमीज, स्वॉन का मतलब होता है वंशज यानी जो खानदानी, अपने खानदानी खानदान से जुड़े हुए आपस में एक दूसरे के क्या थे, दुश्मन थे, एनिमीज थे। तो उन मतलब वो उस वचन में बंधे हुए थे, जो शत्रुता जिसे हम कहते हैं ना, दुश्मनी जो कहते हैं, वो अपने वचन में बंधे हुए थे यानी पुरखों से उनमें वो चलते आ रही थी आपस में, जो जो उनका जो रिलेशन था शत्रु का, दुश्मन का, एनिमीज का, वो चलते आ रहा था यानी वो अपने इस वचन से बंधे हुए थे। तो दे नेवर थॉट दैट दे शुड यूनाइट ऑफ डू समथिंग फॉर देयर ओन पीपल। ये फिर उन्होंने वो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हम आपस में ही, देखो ये मराठाओं की बात चल रही है यानी कुछ मराठा ऐसे थे जो उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि क्यों ना हम आपस में ही मिल जाए, हाथ मिला ले, तो हमारे ही जो पीपल यानी लोग है उनका भला हो सकता है ना। लेकिन वो एक दूसरे के इतने इस तरह के दुश्मन थे कि उन्होंने कभी अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में एकता कैसे बढ़ाई जाए वो सोचा ही नहीं, ठीक है। सो ऑल देयर वेलर्स एंड ब्रेवरी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। ये ऑटोमेटिकली उनका जो फायदा था वो कुछ दूसरे जो सुल्तान थे वो उठा रहे थे, है ना। जैसे हमने देखा कि इन मराठा ब्रेव थे, शक्तिशाली थे, बट वो आपस में एक दूसरे के इस तरह दुश्मन बन चुके थे कि उनका फायदा कोई और ले रहा था यानी उनकी पूरे वेलोर का जो इंटरेस्ट था वो उसका फायदा कोई और, मतलब वो उन्हें यूज कर रहे थे, जो सुल्तान से वो इन मराठा सरदारों को अपने लिए यूज किया करते थे। इवन सो दे केप्ट अलाइव द वॉर लाइक स्पिरिट स्पेशली अमंग द यंग। यस सी, जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं ना, जो युवा राजा राजा के बेटे को वहां का प्रिंस घोषित किया जाता था, राजकुमार, फिर वो और मतलब उनकी जो शक्ति थी और उन्हें पहले से ही वो सिखाया जाता था, तो वो एक पावर उन्हें मिला करती थी। मेनी फेमस सोल्जर्स वेर बॉर्न इन द फैमिली हु केप्ट अलाइव द ट्रेडिशन ऑफ वेलोरियस। जो बहुत से ऐसे मराठा सरदारों की फैमिली से उन्होंने आज तक अपनी जो ब्रेवरी और जो वेलोर है वो जिंदा रखा है ना, जिनके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, जिनकी गाथाएं हम सुनते हैं, जिनके मूवीज हम देखते हैं, और बहुत सारे फोर्ट जो है उन्होंने जीते हैं हमारे भारत देश में भी, उनकी उनकी जो पराक्रमों की जो गाथा है ना, जो ट्रेडिशन है, जो वेलोर है, वो आज भी उन्होंने जिंदा रखा है और हमने उसे जिंदा रखा है ना।
Among the famous families, the Bhosles of Werul showed a great bravery and enterprise. Yes, देखो आप वही जो उनमें से एक और फैमिली थी भोसले फैमिली है ना, उन्होंने जितने भी अपने पराक्रम शो किए हैं, ऑल दे शोड ग्रेट ब्रेवरी एंड एंटरप्राइज, अपना जो साहस अपनी जो ब्रेवरी उन्होंने शो की है वो उसके बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। इसीलिए लेसन का नाम है द मराठा सरदार द फेमस हाउस ऑफ भोसले। ओके सो नेक्स्ट द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर, द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर, दिस टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी लॉर्ड शिवा यानी भगवान शंकर जो है शिवा है उनका वो टेम्पल था घृष्णेश्वर। ओके इट वॉज अबाउट 400 years ago, यानी आज से तकरीबन 400 साल पहले, 400 years ago है ना। नाउ अब हम 2020 यानी 20वीं सदी में सदी से चल रहे, तो आज से 400 साल पहले यानी तकरीबन 1600 सेंचुरी जो थी है ना, उस तब की बात है, उस पीरियड की बात है 1600 सेंचुरी। द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर नियर द वेरुल केव वॉज फॉलिंग अ पीसेस। यस मीन्स द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर नियर द वेरुल, वेरुल मीन्स जहां से भोसले फैमिली बिलोंग करती थी, वेरुल जिन केव्स के बारे में हमने सुना है, हो सकता है आप वहां पे विजिट भी आप करके आए होंगे, जाकर आए होंगे। देखो अजंता वेरुल जो लेनी है ना केव्स है वहां पे, तो वहीं पे एक घृष्णेश्वर टेम्पल हुआ करता था। बट द टेम्पल वॉज फॉलिंग अ पीसेस, यानी अब वो तकरीबन मतलब गिरने के तादाद में था, पूरी तरह से वो क्या हो चुका था, टूट चुका था, गिर चुका था, यानी उसके पीसेस हो रहे थे, यानी खंडर जिसे हम कहते हैं उस तरह का होते जा रहा था, यानी उसके अवशेष अब खत्म हो रहे थे। द वॉल्स हैड डेवलप्ड क्रैक्स, यस वॉल्स हैड डेवलप्ड क्रैक्स, यानी उनके जो दीवारें थी वो टेम्पल की ऑलमोस्ट क्या हो चुके थे, क्रैक हो चुके थे। द प्रीस्ट ऑल्सो हैड डिजर्टेड द टेम्पल, थस द टेम्पल विच वॉज बिल्ट इन ऑनर ऑफ ग्रेट गॉड वॉज टोटली निग्लेक्टेड। यस देखो अब बस वहां के जो प्रीस्ट यानी जो भक्त होते थे है ना, वो आकर पूजा तो करते थे वहां के, बट किसी ने भी उसे बनाने के बारे में सोचा नहीं, यानी मोस्ट ऑफ जो वहां के पुजारी थे उन्होंने भी निग्लेक्ट किया, यानी नकारा उन इतने उस टेम्पल को फिर से दोबारा खड़ा करने के लिए बनाने के लिए। ओके दस द टेम्पल विच वॉज बिल्ड इन ऑनर ऑफ ग्रेट गॉड वॉज टोटली निग्लेक्टेड, ऑल द डिवोटीज हु केम देयर मॉर्न ओवर द सॉरी स्टेट ऑफ द टेम्पल बट नो वन थॉट ऑफ रिपेयरिंग इट। देखो बहुत सारे जो डिवोटीज थे यानी भक्त थे वो वहां पे पूजा करने के लिए तो आते थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम इस टेम्पल को रिनोवेट करें, यानी दोबारा से इसे बनाए, सबने मतलब उसे निग्लेक्ट किया था वहां के जो लोग थे उन्होंने। बट अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली, उनमें से एक डिवोटी और था यानी भक्त और था, वो रेगुलरली वहां पे विजिट करता था यानी जाता था उस टेम्पल में, ठीक है। ही वुड पुट फ्लावर्स एंड बेल ऑन द लिंगम एंड एक्सप्रेस हिज इनरमोस्ट थॉट टू द गॉड। यस बेल मतलब हमें पता है लीफ होते है ना बेल, और लिंगम यानी जो शिवलिंग होता है, पिंडस पिंड जो होता है शिवलिंग, वो शिवलिंग पे हमेशा वो फ्लावर्स एंड बेल्स चढ़ाकर क्या करता था, अपनी प्रेयर करता था, मीन्स इनर मोस्ट थॉट टू द गॉड, यानी अपने भगवान के सामने वो हमेशा अपने विचार जो है वो रखा करता था। ही कैरिड आउट एक्सपेंसिव रिपेयर टू द टेम्पल एंड रिस्टोर्ड इट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। देखो अब जो वो जो डिवोटी था उसने सोचा कि इस टेम्पल को जो है वो रिपेयर किया जाए बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो फर्स्ट टाइम जब बनाया गया था उसी कंडीशन में उसे देखना चाहता था, उसी तरह उसे बनाना चाहता था, एंड उसने वो स्टार्ट किया। ओके ही ऑल्सो मेड अरेंजमेंट फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल। यस उसने फिर सारे जो अरेंजमेंट थे जिस तरह से वो टेम्पल पहले था बिल्कुल उसी तरह से उसने सारे अरेंजमेंट
स्टार्ट किए. नाउ देयर वेर लाइट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टेम्पल एंड द लॉर्ड ग्रैंड्योर ऑफ द घृष्णेश्वर वॉज रिस्टोर्ड. देखिए बिल्कुल उसी तरह से उसने सारी अरेंजमेंट कर ली कि इनसाइड एंड आउटसाइड जो लाइट्स हुआ करते थे ना, जो वो उस जमाने में लाइट मतलब मसाले जलाया करते थे ना, मसाला दिए जलाया करते थे, तो उनका भी उन्होंने इंतजाम कर लिया. द टेम्पल हैड लॉस्ट ग्रैंड्योर ऑफ घृष्णेश्वर वॉज रिस्टोर्ड. जो उसकी भव्यता थी, वो टेम्पल की जो शान थी, भव्यता थी, जो लॉस्ट हो चुकी थी है ना, उसे दोबारा से उन्होंने क्या किया, मतलब पूरी तरह से बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने रिस्टोर किया, यानी फिर से बनाया उसे, रिस्टोर किया. हु वॉज दिस डिवोटी, क्या बता सकते हो कि वो डिवोटी कौन था, हु डिड ऑल दिस, और उसने किसने किया ये सब, कौन था वो. सो ही वॉज मालोजी राजे भोसले. कौन थे वो, मालोजी राजे भोसले. ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कुछ डिस्कशन दिए है, वन मोर और एक डिस्कशन यहाँ पे ऐड करती हूँ. मालोजी राजे, ठीक है, तो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैंने कुछ डिक्टेशन दिया है रिलेटेड इस एक्सप्लेनेशन, उसे हम रीड करेंगे आपको होमवर्क में. इसे टू टाइम लिखना है ओके, सारे डिक्टेशन को. टी आर ए डी आई टी आई ओ एन ट्रेडिशन, ए डी आई एन एस एच ए एच अदिल शाह, जो हमने पहले पढ़ा है बट हम दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे ओके. बी आई जे जे ए पी यू आर बीजापुर, एन आई जेड ए एम निजाम, एस एच ए एच शाह निजाम शाह, ए एच एम ए डी अहमद, एन ए जी ए आर नगर अहमदनगर, जे ए डी एच ए वी जाधव, जो सरनेम और जो प्लेस है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, प्रॉपरली ध्यान में रखना है, इन सब स्पेलिंग को लर्न करना है ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन आंसर जो है इसी बेस पे आने वाला है और हमें वो विदाउट सीइंग लिखना रहता है, तो आपको ये स्पेलिंग आनी बहुत इंपॉर्टेंट है ओके. यू नीड टू लर्न द स्पेलिंग. एस आई एन डी सिंध, के एच ई डी खेड सिंध खेड, जाधव सिंध खेड, एन आई एम बी ए एल निम्बाल, के ए आर कर निम्बाल कर, पी एच ए एल टी ए एन फल्टन, पी एच ए एल टी ए एन फल्टन, जी एच ओ आर पी ए डी ई घोरपड़े, जी एच ओ आर पी ए डी ई घोरपड़े, एम यू डी एच ओ एल मुढ़ोल, एम यू डी एच ओ एल मुढ़ोल, एम ओ आर ई वाई मोरे, एम ओ आर ई वाई मोरे, जे ए वी ए एल आई जावली, J A V A L I Jawli, B H O N S A L E Bhosle, B H O N S A L E Bhosle. Next V E R U L Verul, V E R U L Verul. मराठी में वेरुल कहा जाता है ठीक है. Y A D A V यादव, Y A D A V यादव, D E V देव, G I R I गिरी देवगिरी. Next L A K H U G J I लखूजी, R A O राव लखूजी राव, द फादर ऑफ जीजाबाई. नेक्स्ट V A N O U R वेलोर, V A N O U R वेलोर. नेक्स्ट घृष्णेश्वर, यहाँ पर देखिए ये स्पेलिंग बहुत बड़ी है घृष्णेश्वर की और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसे हाफ ऑफ लर्न करेंगे. जैसे G H R U S H घृष, N E S H नेश, W A R वर घृष्णेश्वर, घृष्णेश्वर ठीक है, घृष्णेश्वर. नेक्स्ट M A L O J I मालोजी, R A J E राजे, मालोजी राजे ओके. तो लर्न एंड राइट टू टाइम्स ओके, इस इक्वेशन लर्न एंड राइट टू टाइम्स.